नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। रत्नकंड श्रापकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत स्वामी द्वारा यह लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक की 11 जो प्रतिमाएं हैं, इनका इसमें बहुत सुंदर व्याख्यान किया गया है। हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे सम्यक चारित्र अधिकार। उसमें जो शिक्षा व्रत है, उस शिक्षा व्रत के भेद में एक वैया व्रत नाम का भेद है। उसमें हम पढ़ रहे थे कि जो अतिथि संविभाग आदि होता है तो कैसे होता है, तो बोले दान देने से, वैया वृत्ति आदि करने से अतिथि संविभाग होता है। दानम वैया वृत्तिम, चार प्रकार का दान देना वैया वृत्ति है। वो चार प्रकार का दान क्या होता है, तो ये 117 नंबर के श्लोक में बताया जा रहा है। आहार औषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्त्यं ब्रूवते चतुरात्मत्वेन चतुर्षः। ये श्लोक पहले पढ़ा था, आज पुनः पढ़ा। कल अपने आहार औषध दो की बात कर ली थी कि आहार कैसे, किस प्रकार, कब देना चाहिए, औषध कैसी होना चाहिए, किस समय देना चाहिए और किस विधि से देना चाहिए, इसकी बात हो गई थी। आज बात करेंगे उपकरण और आवास। उपकरण जो साधना के लिए उपयुक्त हो उसे उपकरण कहते हैं। साधना के लिए उपयुक्त हो तो उसे उपकरण कहते हैं। जो साधना के लिए उपयुक्त ना हो उन्हें उपकरण नहीं कहते हैं। उन्हें कहीं भी उपकरण नहीं लगाना। जैसे पेन है, पेन से मैं लिखूंगा तो इससे नॉलेज होगा तो ये मेरे लिए उपकरण है, ठीक है ना। कॉपी उपकरण है, शास्त्र उपकरण है, तो ये उपकरण है जिससे मेरे ज्ञान बढ़े, मेरा मोक्ष मार्ग बढ़े, जिसमें साधना। अब ये पेन है, इसका मैं क्या करूँगा, इससे मैं लिखूंगा, अध्ययन करूँगा, तो ये उपकरण है। ऐसे पिच्छी, ये पिच्छी क्या है, उपकरण है, मोक्ष मार्ग के लिए उपकरण है। महाराज जब भी बैठेंगे, मार्जन करेंगे, जीवों को अलग करेंगे, तो ये पिच्छी क्या है, उपकरण है। और साधु का चिन्ह भी है, मुद्रा है। क्या है ये, एक मुद्रा है। जैसे कि रुपया में एक मुद्रा लगाओ तो कागज भी कीमत बढ़ जाती है, ऐसे ही ये भी इसकी मुद्रा है। इस मुद्रा से निर्गंधता की कीमत बढ़ जाती है। यदि ये हाथ में ना हो और ऐसे घूम रहे हो सड़क में तो कोई क्या कहे, पागल घूम रहा है। और ये रहती है तो ये एक साधु महाराज जा रहे हैं, एक निर्गंध साधु जा रहे हैं, बाबा जा रहे हैं, ये चीज, तो ये एक मुद्रा है। और ये अहिंसा के संयम के पालन करने में भी काम आती है, इसलिए उपकरण है। ये साधु को दोगे तो आपका दान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दान होगा। ऐसे कभी उनको कमंडल की आवश्यकता पड़े, वैसे कमंडल अधिकांश आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक बार कमंडल ले उसी को रिपेयरिंग करते रहते हैं। फिर भी कभी टूट फूट ही गया हो, हालत ही उसकी खराब हो गई हो, तो हमें देना चाहिए। जितने भी उपकरण हैं वो याचना कोई करें तो नहीं देना, याचना प्रवृत्ति से नहीं देना है। आपको स्वयं पूछना है, मेरे लायक कोई सेवा गुरुदेव हो तो बताइए, तो वो कहे कि हाँ देख लेना, कमंडल देख लेना, इन साधु को पीछे देख लेना, इनको देख लेना, तो समझ में आता है आपकी। पर वो अपने मुख से कभी याचना नहीं करेंगे, तो मुझे पेन ले आओ, मेरे लिए कॉपी ले आओ, मेरे लिए पुस्तक ले आओ, मेरे लिए ये ले आओ, वो ले आओ, कभी नहीं बोलेंगे। और बोलते हैं तो साधु की प्रवृत्ति खत्म होती है, क्योंकि साधु के पास एक गुण होता है अयाचक वृत्ति। कौन सा होता है, अयाचक। वो दिगंबर साधु की सबसे बड़ी विशेषता यही है, अयाचक। यदि याचक वृत्ति होती तो उन्हें निर्गंध बनने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें केश लॉन्च करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं आपसे याचना कर लेता, भाई जरा कैंची लिया, भाई नाई को लिया, मेरे बाल कटवा दे, मैं याचना कर सकता था ना। मुझे फिर एक टाइम भोजन करने की आवश्यकता नहीं थी, भाई कोलते भोजन लिया, मेरे लिए थाली में लिया, सब कुछ कर सकते, याचना। अयाचक वृत्ति के लिए ही हाथ में हाल लेना, खड़े खड़े हाल लेना, केश लॉन्च करना,
और कोई भी वस्तु अपने लिए सुख के लिए, किसके लिए, उसका कारण है सुख के लिए, कोई भी वस्तु अपने लिए नहीं मंगाना। यदि तुम सुख के लिए मंगाया तो इसका मतलब है तुमको उसके प्रति राग है, उतना तुम्हारा संसार है, और उतना नहीं है तो राग नहीं है, तो उतना संसार तुम्हारा नहीं है। इसलिए कोई भी निर्गंध दिगंबर साधु जो है अपने मुख से एक पेंसिल भी नहीं मंगाएगा। पर श्रावक के लिए चार प्रकार के दान का उपदेश देकर के ये समझाया जा रहा है कि वो ऐसे अयाचक वृत्ति वाले साधु आते हैं तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य है उनको बिना बोले ही आहार उनके लायक जो उनके योग्य हो और मौसम के अनुकूल हो, उस अनुकूल में तुम उनको कुछ बना के दो जिससे उनकी साधना आगे बढ़े। वो नहीं बोलेंगे गर्मी है थोड़ा ठंडा पानी हो जाता ठीक रहता, थोड़ा ठंड है तो थोड़ा गर्म गर्म भोजन हो ठीक रह जाता, ये नहीं बोलेंगे। वो तुमको समझना है, तुमको जानना है कि इस मौसम में इस योग क्या वस्तु दी जाए जिससे उनकी साधना निर्विघ्न रूप से चल सके। ये तुम्हारा विवेक है, ये तुम्हारा ज्ञान है, ठीक है ना। वो नहीं बोलेंगे, बोले तो गए। सभी कर्मों में एक कर्म जो है बहुत बड़ा कर्म है, जैसे मूलाचार में वट्टकेर स्वामी ने कहा है अधा कर्म कर्म। कौन सा कर्म? अधा कर्म, लिख लो अधा कर्म। ये कर्म बोले सारे पाप एक तरफ और एक अधा कर्म पाप एक तरफ। अधा मतलब नीच कर्म, अधा मतलब अधो, नीच कर्म। कौन सा कर्म? अपने लिए सुख के लिए कुछ भी याचना करना श्रावक से, ये अधा कर्म दोष है। जैसे आहार का, भाई आज आहार में ये खाने की छोले थोड़ा ही बना लेना, तुम गए काम से, तुम इस पर रसना इंद्रिय के वशीभूत हो गए, क्योंकि तुम्हारा पांच इंद्रिय निरोध तप, पांच इंद्रिय निरोध व्रत है। कौन सा है? पांच इंद्रिय निरोध नाम का व्रत है। तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु स्रोत, तो इसमें किसी भी इंद्रिय संबंधी तुम कोई वस्तु की याचना करते हो, वैसे तुमसे कोई दोष लग जाए अपने आप से, उसका तो प्रतिगमन है, उसकी आलोचना है, लेकिन तुम बोल करके दोष लगाओ तो उसका प्रतिगमन नहीं है, वो तो छेद है, आधा कर्म है, नीच कर्म है, उसकी गति तुम्हारी सही नहीं है, तुमने व्रत को दूषण किया है। अब तुम पुनः उसमें क्या करो, गुरु से लो व्रत, लो प्राश्चित, लो छेदन करो, ये चीज है अधा कर्म का, ऐसा बताया, पढ़िए शास्त्र को। तो अपने सुख के लिए, क्योंकि मैं निर्गंत बना हूं तो मैं इंद्रियों को गुलाम नहीं बनूंगा, इसलिए मैं याचना नहीं करूंगा, ठीक है। और उपकरण में मैं पिच्छी की याचना नहीं करूंगा, पिच्छी भले खराब हो रही हो, वो श्रावक देखेगा कि तो झरझर हो गई है, खराब हो गई है, तो हमें गुरुदेव ये पिच्छी हम आपको देना चाहते हैं, महाराज जी को आवश्यकता होगी शायद स्वीकार कर लेंगे। आप पेन लेके आ गए, पांच छह पेन लेके आ गए, महाराज जी पेन उनके पास होगा नहीं अभी है, बस जाओ है जाओ, और नहीं है तो स्वीकार कर लेंगे, ठीक है रखो, रख लिया, मायाचार्य नहीं करेंगे, नहीं 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 ऐसे नहीं, ठीक है चाहिए, हमें चाहिए, रख दो भाई आप लेके आओ, हमें आवश्यकता दे दो, ठीक है ना, कोई मायाचार्य वाला सिस्टम नहीं, और नहीं है नहीं अभी मेरे पास है, कभी पुनः आना। तो इसलिए कभी भी जाओ तो साधु संतों के पास उनके अनुरूप चीज़ों को लेके जाओ, कभी कॉपी, कभी पेन, कभी पेंसिल, इन चीज़ों को लेके जाओ, कभी शास्त्र को लेके चले जाओ, या उनसे स्वयं पूछ लो, गुरुदेव कोई शास्त्र की आवश्यकता हो तो आप बताएं, हम वो आपका काम है, आपको दुनिया से कहाँ मंगाना, कैसे मंगाना, वो आपका काम है। शास्त्र की आवश्यकता हो, शब्दकोश की आवश्यकता हो, जो भी आवश्यकताएं हो उनके उपकरण संबंधी, जिसे बोलते हैं संयमोपकरण, क्या बोलते हैं, संयमोपकरण, संयम संबंधी उपकरण। कौन सा? अब महाराज जी कैची मांगा तो कैची थोड़ी देंगे हम, कैची क्या करोगे महाराज जी, अब कैची क्या करोगे, बाल काटना नहीं है आपको, आप ये कागज काट नहीं सकते, आप क्या नहीं कर सकते, कट करोगे वहां पर जो भी वायु का जीव होंगे वो मरेंगे। कैची चलाते, आपको पता है बचपन में लोग क्या बोलते, खाली कैची मत चलाओ बोलते थे ना माता पिता लोग, ये क्या कर रहे हो, पाप क्यों कर रहे हो, खाली क्यों चला रहे हो, कोई सामान कटिंग कर रहे हो चलो वो वस्तु वहां कट रही है, ठीक है ना, और खाली चला रहे हो तो लोग कच 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 करते रहते थे, तो मान लो डांटती थी, ये क्या कर रहे हो, पता कितने जीव मर रहे हैं वहां पे, वायु का तो मर ही रहे हैं
यदि कोई 30 GB होगा जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है तो 30 GB क्या होगा, मरेगा। ऐसे बहुत सारे जीव 30 GB है जो हमको दिख नहीं रहे यहाँ पर वो भी है और हम चला रहे तो वो मर रहे हैं। बोले कैची मत चलाओ, ठीक है। तो साधु को कैची से क्या मतलब, उनको कटर से क्या मतलब, उनको नेल कटर से क्या मतलब, इन चीजों को मतलब नहीं है। आप लाके महाराज जी के नैन से बड़े हो रहे हैं और आपने निकाल दिए तो महाराज निकलवा लिए, वरना नहीं लाओगे तो महाराज जी तो कोई पत्थर उठाएंगे जहां शुद्धि करने जाएंगे उसी को घिसते रहेंगे, पानी डालेंगे कमंडल से एक एक करके ऐसे करके घिसते रहेंगे और नाखून निकल गए। तुम कैची की आवश्यकता नहीं है, हमारे बाल बड़े हुए और हमें तो चालू स्टार्ट हो गए, तुम राख लगा दो ठीक है, नहीं तो वहां धूल मिट्टी डली होगी उसमें हाथ ऐसे कर लेंगे और उससे करके फटाफट स्टार्ट हो जाएंगे, हमें तुम्हारी राख की भी आवश्यकता नहीं है। हमें तो हाथ चिकने हों, अच्छा चिकने, तेल ज्यादा लगाते नहीं है तो चिकने नहीं होते हैं, और ये हो भी गए हों तो उसको हाथ थोड़ा सा मिट्टी से ऐसे कर लिया, रेत से रूखे हो गए, आप पकड़ के करते रहो। वो तो इसलिए कि फिसले ना, राख क्यों लगाते हैं, लोग समझते राख लगाने से कमजोर हो जाते होंगे, कमजोर नहीं हो जाते, वो हाथ फिसले ना, क्योंकि यदि फिसल गया तो कट जाएगा, क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, और इस हाथ में ब्लड आ गया और ब्लड बंद नहीं हुआ तो आहार नहीं होगा, ब्लड निकलता रहेगा तो आहार नहीं होगा, यदि इससे ब्लड निकल, तो इसलिए उसको राख आदि की आवश्यकता पड़ती है, पर याचना नहीं करेंगे। हाँ ये तो कह सकते कल मेरा केश लंच है, अब तुम समझ जाओ, अब इतने भी मूर्खता से नहीं समझो तो तुम्हारी बात है, ठीक है ना। ये तो कह सकते हैं महाराज स्वास्थ्य ठीक पूछा, स्वास्थ्य ठीक है, थोड़ा हल्का सा लग रहा है, ये तो कह सकते हैं, ठीक है, जो है सो है। अब आपको समझना हल्का सा लग रहा है इसका मतलब थोड़ा सा सही नहीं है, अब आपके पास यदि अप्रोच है तो आप वैद्यराज को बुला लो, वैद्यराज को बुलाओ, महाराज जी जरा देख लो महाराज जी क्या दिक्कत हो रही है, तो वैद्य बता देंगे हाँ ये दिक्कत है, पुड़िया बना दिया, प्राश्रुप बना ली और उनको आहार करा दिया, तो ये आपने कर दिया ना काम। अच्छा महाराज जी हल्का लग रहा है, आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, ध्यान रखा करो। कैसे रखे ध्यान भाई, हम क्यों रखेंगे, हम तो जो ध्यान रख रहे हैं वो रख ही रहे हैं, तो हमारे ऊपर थोप के जा रहे हो कि महाराज ध्यान नहीं रखते हो, थोड़ा ध्यान रखा करो, ये करा करो, वो करा करो, हमें लेक्चर मत दो भाई, तुम अपनी भैया वृत्ति कर सकते हो तो बात करो, बाकी हम तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, उसमें आप हमें बुद्धि मत दो, अभी हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है, जब भ्रष्ट हो जाएगी तो हम बता देंगे, अभी हमारी बुद्धि चल रही है, आप अपना काम कर सकते हो वो करो, क्या करो, आहार नहीं ढंग से हो पा रहा है आपको लग रहा है तो आप आहार अच्छे से करने की व्यवस्था कर सकते करो, आपको लग रहा है बीमार है तो वैद्यराज जी को बुला के औषधि कराना चाहते हो तो करो, नहीं तो हम तो निस्वार्थ हैं, हम तो क्या है, हम तो तुमसे बोलेंगे नहीं, हमारे शरीर में दर्द हो रहा तो हम नहीं बोलेंगे, हमारे पेट में दर्द हो रहा तो हम नहीं बोलेंगे, हाँ अपने गुरु से बोल सकते हैं, हम अपने साधर्मी बंधु से बोल सकते हैं, अपने साधर्मी बंधु से बोल सकते हैं, लेकिन हम किसी श्रावक से किसी प्रकार की आचना नहीं कर सकते। इसलिए यदि महाराज जी बीमार हैं तो हमारा कर्तव्य है आपसे कहने का, यदि हम बीमार हैं तो इनका कर्तव्य है आपसे कहने का, लेकिन अपने लिए नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ऐसा तुम भी तो करते हो, ऐसा तुम भी करते हो ना, अपन को कुछ ही पसंद हो और हमें चाहिए हो, भाई साहब इनको परोस दो ना, इनको ले आओ रसगुल्ले ले आओ, इनको ले आओ, इसका मतलब तो यहाँ डलेगा एक हाथ तो एक हाथ तो तुम यहाँ भी डाल के जाओगे, तुम भी अपने लिए करते हो ऐसा, पर हमारा ऐसा स्वार्थ नहीं है कि हम इनके लिए कह रहे तो हमारे लिए भी हो, तुम्हारा उसमें स्वार्थ है, लेकिन मुनिराज का ऐसा स्वार्थ नहीं कि यदि हमने इनकी व्यवस्था बना दी तो इसका मतलब हम अपनी व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं तो ये मायाचारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मायाचारी हो जाएगी, कि आप अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे थे, आपके अंदर वात्सल्य भाव नहीं है, आपके अंदर वात्सल्य भाव होता तो निस्वार्थ होकर के उनका ध्यान रखते ना कि अपना, ठीक है ना। तो ये चीज व्यवस्था बता रहे हैं कि संयमोपकरण जिससे उनका संयम बढ़े, संयम में वृद्धि, यदि असंयम बढ़ता है तो वो आपका उपकरण वैया वृत्ति में नहीं आएगा, दान में नहीं आएगा, अपितु पाप में आएगा, ठीक है। तो संयमोपकरण, उनका संयम बढ़ना चाहिए तो क्या कहलाएगा, संयमोपकरण, समझ में आएगा ना, पिछी है, कमंडल है, सात्र है, पेंसिल है, और जैसे कोई महाराज जी का चटाई का त्याग होता है, कोई का नहीं होता है, कोई कठोर आचरण पालन करने वाले होते हैं, कोई मृदु आचरण पालन करने वाले होते हैं, दोनों प्रकार के आचरण वाले साधु होते हैं, ऐसा प्रवचन सार में कहा है,
टीका में मृदु आचरण और कठोर आचरण। किसी की बॉडी अलाउ करती है वो कठोर आचरण पालन कर लेते हैं, बोला हमें चटाई नहीं चाहिए, लेकिन कोई मृदु आचरण मतलब इनकी बॉडी इतनी अलाउ नहीं है, थोड़ी सी ठंडा हवा लगती है तो कपकपी शरीर में आ जाती है, तो उनको इतना सहन शक्ति नहीं है, तो फिर उनके लिए हम चटाई ला कर देते हैं कि गुरु जी ये चटाई आपके लिए है, ये आप ओढ़िए। वो महाराज का मतलब ये है कि महाराज जी एक चटाई का उपयोग कर रहे हैं और अभी एक मैंने पहले उपयोग की है और तुम लेके आ गए, तुम्हारी अच्छी है तो ये हटा दो, ये गलत हो जाएगा। नहीं, वो साधु सही में रखे, नहीं भाई अभी आई है, मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, अभी मैं इसको एक दो महीने और चला सकता हूँ, चलाऊँगा, अभी पिछली मैंने अभी एक महीने पहले चेंज की है, अब तुम बोले एक और चेंज नहीं, हम इसको एक साल चला सकते हैं, अभी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये नहीं आ गई ये चेंज करो, ये नहीं आ गई नहीं चेंज करो, ऐसा नहीं चलता। ये तो हम उसके साथ न्याय नहीं करेंगे, दानी के साथ न्याय नहीं करेंगे, जिसने पहले दान दिया है उसके साथ न्याय नहीं हुआ, उस साथ अन्याय हो गया कि तुम लेके आए तुमने यूज नहीं किया और फेंक दिया, अलग कर दिया, ये गलत। अब ये पेन तुम मेरे लेके आप यूज करो, ये वाला लेके आए बांटने के लिए तो बांटने का यूज करो। वैसे महाराज जी को बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, महाराज बांटने वाले नहीं है, महाराज तो लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आहार लेने वाले हैं, आहार बांटने वाले नहीं है। आहार ले लिया भर लिया था इसमें एक एक देते जाए तो ये नहीं है भैया, ये हमारा माल है, हम बांटने वाला काम नहीं करते, हम तो सिर्फ लेने वाले। और बांटे तो गए, बांटे तो गए, अंतराय करना पड़ेगा, आप अपने हाथ का माल किसी को दे नहीं सकते हो, तो हमको मिल गया हमारे यूज के लिए मिल गया। हाँ महाराज ये कहते हैं कि तुम जबरदस्ती करो, नहीं महाराज आप तो रख के जा रहे हो, तो भैया ठीक है रख के जा रहे हो तो हम इसको किसी को भी दे सकते, इस बात का ध्यान रखना, इसमें हमारा अधिकार है तो हम बांटने का भी अधिकार रख लेंगे, फिर ये भी रख सकते हैं, ठीक है ना। उनको जो है चांदी की सोने की हीरे की मोती की ऐसी अनमोल चीजें नहीं दो, ऐसी चीजें वैसे तो उनका त्याग है, 10 प्रकार का परिग्रह त्याग करते हैं ना, तो हिरण स्वर्ण धन दान दासी दास गुप्त भांड बर्तन वस्त्र ये सब उनका क्या होता है, 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है। यदि कोई अपने आपने अच्छी भावना से दी लेकिन उनको विकल्प बना रहा तो आप पाप के भागी बनेंगे। कब क्या विकल्प बनने का, माला है सोने की माला मान लो दे दी, अब वो आहार करने गए अब रखी है तो दिमाग में क्या आ रहा, कोई लेना जाए कोई लेना जाए, वो अपने आहार में ध्यान रखें, शोधन में आहार में ध्यान रखें, शोधन की क्रिया में रहें, अपना एष्णा समिति का पालन करें, एष्णा मतलब शोधन भोजन, तो एष्णा समिति का पालन करें या फिर उस परिग्रह का ध्यान रखें। ए ताला लगा देना कमरे में, तो ताले की भी आप बात आ गई, कुंजी की भी बात आ गई, ना महाराज को ताला चाहिए ना चाबी चाहिए, अब ताला चाबी का विकल्प आ गया तो वो गृहस्थी वाला काम आ गया कि परिग्रह का संरक्षण करना, परिग्रह की रक्षा करना, परिग्रह की देखभाल करना, तो ये सारी चीज़ें एक के बाद कंटिन्यू बहुत बड़ा संसार बन जाता है, तो हमें ऐसी वस्तु भी नहीं देनी है जो वस्तु उनको निर्विकल्पता के साथ उसको उपयोग कर सकें। शास्त्र दिया कोई भी उठा के ले जाओ, क्या दिक्कत है, कोई पेन दिया कोई भी उठा के ले जाओ, तो ये सब चीज़ों के उपयोग से वो आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते जाते हैं, वो कहलाता है संयमोपकरण। क्या कहलाता है, तो वो भैया वृत्ति में आएगा, वो दान में आएगा।